अस्सलाम वालेकुम. टॉपिक अंडर डिस्कशन इज द गैस एक्सचेंज. हाउ गैस एक्सचेंज अकर इन द फिशेज. फिशेज लिव इन द एनवायरनमेंट दैट कंटेन लेस देन 2.5% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. एज देयर एनवायरनमेंट इज द वाटर एंड इन वाटर 2.5% लेस ऑक्सीजन present in water as compared to the air. To maintain adequate level of oxygen in their bloodstream, fish must pass large quantities of water across the gill surfaces and extract the small amount of the oxygen present in the water. Adequate means enough. To maintain the enough oxygen level in their blood, it is necessary that large quantity of the blood is passed over the gills so the gaseous exchange occurs between the blood and the water. Or to extract enough oxygen for the for necessities of the body. Most fishes have a muscular pumping mechanism to move the water into the mouth and the pharynx over the gills and out of the fish through gill opening. Muscles surrounding the pharynx and the operculum cavity, which is present between the gills and the operculum, power this pump. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारी फिशेस के अंदर मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म है. मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म की वजह से वो माउथ और फेरिंग्स और गिल्स के अंदर गिल्स के ऊपर से वाटर को मूव करवाएंगी. और देन जो वाटर बाहर फिश से जाता है वो थ्रू गिल ओपनिंग जाता है. मसल्स राउंड. अब ये वाला मस्कुलर पंप कैसे बनता है? जो मसल्स राउंड करते हैं फेरिंग्स को और अपरक्यूलर कैविटी को, जो कि गिल्स और अपरक्यूलम के दरमियान में मौजूद है, वो पावर करेंगे या स्ट्रेंथन करेंगे इस पंप को. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द गिल. ठीक है, अब आप यहाँ पे जब इसको हम एक सिंगल स्ट्रक्चर देख लेते हैं. दिस इज़ द गिल स्केलेटन, या आप इसको गिल आर्च भी बोलेंगे. यानी ये बोनी स्ट्रक्चर है जो गिल को सपोर्ट कर रही है. ऑल राइट, उसके बाद ये जो आपको उभार से नज़र आ रहे हैं, दीज आर द गिल रैकर्स. गिल रैकर्स सम दे आर इन्वॉल्व इन फिल्टर फीडिंग और ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द वाटर फॉर फिश फूड. दीज आर द गिल फिलामेंट्स, दीज आर मेड अप ऑफ एपिथीलिया. और इनमें से ये जो एक सिंगल फ्लैप होगा उसको आप कहेंगे गिल लैमेली. यानी ये फ्लैशी पोर्शन होगा. ठीक है, यहाँ पे सारा एक्सचेंज हो रहा होता है. यहाँ पे इन्होंने आपको आर्टरी रेड कलर में शो किया और वेन ब्लू कलर में शो किया. ठीक है, अब ये देखें, ये फिश है, इसके ये अपरक्यूलर कैविटी. ओके, ये अपरक्यूलर कैविटी है. ठीक है, और ये गिल्स हैं और देन इसको ये कवर किया हुआ होता है अपर क्यूला ने. अब यहाँ से ये आपको एक सिंगल लैमेली की शेप दिखा रहे हैं. ये देखें, जैसे एक बुक्स के पेजेस नहीं होते, इसी तरह से ये पेजेस हैं. और इसमें अब आप ये देखें कि वाटर फ्लोज इज शोन हियर इन दिस डायग्राम विद ब्लू एरोज एंड ब्लड वेसल्स आर शोन विद रेड एंड द ब्लू वेसल्स. रेड शोज द आर्टरी एंड ब्लू वेसल शोज द वेन्स. अब आप ये देखो कि वाटर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि जो ब्लड का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है. यानी बिल्कुल वाटर और ब्लड एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं. इसे कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज या काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहा जाता है. और इसमें ये होता है कि मैक्सिमम एक्सचेंज हो जाता है. जिस वक्त ब्लड जा रहा होता है ना, तो उसके अब जब वाटर जा रहा है तो ब्लड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ पहले वाटर के मॉलिक्यूल में जितनी ऑक्सीजन थी वो ट्रांसफ़र हुई, फिर इसी तरह से सेकंड के पास जितनी थी वो ब्लड में ट्रांसफ़र हुई, सो ऑन चलता है. तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज़म होता है, यानी जिसमें लिक्विड्स की डायरेक्शन का जो नहीं फ्लो डायरेक्शन जो है अपोजिट हो, इसे काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर या कुछ भी कहते हैं. और ये क्यों होता है? ये मैक्सिमम करता है एक्सचेंज को. ओके, सम लेस्मोब्रैंक्स एंड ओपन ओशन बोनी फिशेस सच एज द ट्यूना मेंटेन वाटर फ्लो बाय होल्डिंग देयर माउथ ओपन व्हाइल स्विमिंग. अब कुछ फिशेस ऐसी हैं लेस्मोब्रैंक्स और ओपन ओशन बोनी फिशेस जिसमें आपके पास ट्यूना आ जाती है. ट्यूना ऐसी होती है,
ये मुसलसल पानी में मुंह खोल के मूव करती हैं और इसे कहते हैं रैम वेंटिलेशन। रैम वेंटिलेशन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज रैम वेंटिलेशन? व्हेन फिशेस स्पेशली द इलास्मोब्रैंक एंड द ओपन ओशन बोनीफिशेस मूव इन द वाटर बाय कॉन्स्टेंटली ओपनिंग देयर माउथ, दिस प्रोसीजर इज नोन एज रैम वेंटिलेशन। अब इलास्मोब्रैंक के पास अपर क्यूला तो होता नहीं है क्योंकि ये कार्टिलेजनस फिशेज हैं और अपर क्यूला इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द बोनी फिशेज। कि अपर क्यूला बंद हो जाएगा तो एक कैविटी क्रिएट होगी जिसकी वजह से वाटर मूव करेगा माउथ में। तो इसलिए कुछ शार्क्स ऐसी हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए मुसलसल मूव करना पड़ता है पानी में। जब वो मूव करेंगे तभी उनके वाटर मूव के अंदर आएगा और गिल्स के ऊपर से मूव करेगा और एक्सचेंज होगा। अदर मूव वाटर थ्रू ओवर द गिल्स विद अ पंपिंग मैकेनिज्म सिमिलर टू दैट जस्ट डिस्क्राइब रादर देन यूजिंग एन अपर क्यूला इन द पंपिंग प्रोसेस। हाउएवर दिस फिशेज have gill bars with external flap that close and form a cavity functionally similar to the percolar cavity of other species. Spiracles are often modified first pharyngeal slits that open just behind the eyes of the elasmobranchs and are used and as alternate route for water entering the pharynx. Acha uske baad ab jo hai गैस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू होता है। गिल का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। ये देखें, ये गिल का स्ट्रक्चर है। ये जो बोनी स्ट्रक्चर गिल को सपोर्ट कर रही होती है इसको कहते हैं आप गिल आर्च, ठीक है। उसके बाद गिल आर्च से यहाँ ये एक्सटर्नली उभार से निकले हुए होते हैं, इन्हें कहा जाता है गिल रैकर। और ये जो फ्लैशी मटीरियल है ये इसे कहा जाता है गिल लैमेली। अब जो गैस एक्सचेंज है वो गिल्स में बहुत एफिशिएंट है। गिल आर्च सपोर्ट करेगी गिल्स को। गिल फिलामेंट गिल आर्च से एक्सटेंड हो रहे हैं और उसके अंदर वेस्कुलर फोल्ड्स एपिथेलियम के जिन्हें फेरेंजियल लैमेली कह रहे हैं। ब्रेंकियल आर्टरी, ब्रेंकियल का वर्ड यूज़ होता है जो वेसल गिल्स की तरफ ब्लड लेके जा रही होती है, ठीक है। कैरी ब्लड टू द गिल्स एंड इन टू द गिल फिलामेंट्स। द आर्टरीज ब्रेक इन टू द कैपिलरी बेड्स इन द फेरेंजियल लैमेली। गैस एक्सचेंज अकर एज द ब्लड एंड द वाटर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन आइदर साइड ऑफ द लेमिलर एपिथेलियम। दिस काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोवाइड वेरी एफिशिएंट गैस एक्सचेंज बाय मेंटेनिंग अ साल्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द ब्लड एंड द वाटर ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द कैपिलरी बेड। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर पैरेलल यहाँ पे ये काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर को शो कर रहे हैं। ये देखें, वाटर की डायरेक्शन इस तरफ है और ब्लड की डायरेक्शन इस तरफ है। अब यहाँ पर एक्सचेंज आप देख लें कि वाटर में 100% ऑक्सीजन थी, 90% तक एक्सट्रैक्ट ब्लड ने कर ली। 70 में से 60% तक एक्सट्रैक्ट कर ली। 40 में से 30% तक एक्सट्रैक्ट कर ली। 15 में से 5% एक्सट्रैक्ट कर ली। अब यहाँ देखें, पैरेलल ब्लड फ्लो अगर होता वाटर के साथ तो क्या होता? वाटर में से ब्लड ने सिर्फ 5% ऑक्सीजन को पिक कर सकना था। तो ये जो चीज़ है ये फ़िश के लिए एडवांटेजियस नहीं है। इससे बचने के लिए फिशेस के पास काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर है। इज दैट क्लियर? टॉपिक इज क्लोज नाउ।